हम लोग जब भी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में बोलेंगे, वी यूज़ अ वर्ड एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल इज़ अ नॉर्मल वर्ड वी यूज़, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है. देयर इज फ्लक्चुएशन हैपनिंग इनसाइड द न्यूरॉन्स, राइट? इफ दिस इज अ सिंगल न्यूरॉन दैट्स गोइंग टू कैरी द मैसेज. सो इफ यू दिस इज अ नॉर्मल स्टेट, ओके, मतलब पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग फेस. जब बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है. एंड वॉट एग्जैक्टली इज एक्शन पोटेंशियल, वॉट एग्जैक्टली इज जनरेशन ऑफ, ये जो चेंज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो वेव होता है पॉजिटिव का अंदर आना, नेगेटिव का, वैसे मूवमेंट सिर्फ पॉजिटिव ही करता है, बट वो जो वेरिएशन आ जाता है, नेगेटिव ज़्यादा बाहर हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. और जैसे ही रेस्टिंग में होता है, लेट्स पॉज फॉर अ मिनट. फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. शुरुआत कैसे होता है? रेस्टिंग में, राइट? रेस्टिंग में सोडियम बाहर होता है. अब डायग्राम में अगर ध्यान से देखो, यहाँ सब सोडियम है, सोडियम बाहर है. ये बाहर का रीजन है, ये अंदर का रीजन है, राइट? दिस इज़ द इनसाइड, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन में क्या है? यहाँ पे देर आर गेट्स, दीज आर द गेट्स दैट एक्चुअली गेट्स. अगर आपको गेट्स इतना ध्यान नहीं आ रहा तो आप पेज 188 में जाओ. पेज 188 के अंदर सोडियम पंप दिखेगा. सो इट्स लाइक एन एक्सचेंज सिस्टम, इट्स लाइक नॉर्मल गेट्स हमारे घर में जैसे, दैट अलाउज द एंट्री, राइट? सो दीज आर द गेट्स दैट अलाउ द एंट्री ऑफ आयन्स, एग्जिट ऑफ आयन्स. हर एक आयन का अलग अलग गेट होता है. सो दिस इज़ बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर. सो हाउ इट स्टार्ट्स, इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, तो इसको और भी क्लोजली जब देखेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट आता है, राइट? जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट आता है, देन व्हाट हैपेंस, जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ सोडियम, वो चेंज हो जाता है. अभी अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो कितना आना चाहिए? -70, बिकॉज दैट इज़ द पोटेंशियल, दैट इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल. जैसे ही इम्पल्स आएगा तो गेट ओपन हो जाएगा. फिलहाल इट्स इन रेस्टिंग पोटेंशियल. सो आफ्टर रेस्टिंग पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप इज़ डीपोलराइजेशन, मतलब इम्पल्स का या किसी स्टिमुलस के आ जाना. स्टिमुलस के आने की वजह से देखो, गेट खुल गया, गेट के ओपन होने की वजह से सोडियम आयन, इट विल ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. तो फॉर अ मोमेंट, लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट. सो जैसे ही सोडियम आयन बाहर से अंदर आया, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज जितने बाहर थे वो अंदर ट्रैवल कर गया. तो यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो बाहर नेगेटिव, इसीलिए हम बोलते हैं बाहर नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन. एंड अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? जिसके वजह से पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे. एंड देन पोटेशियम, जितने भी पोटेशियम है वो, क्योंकि बाहर नेगेटिव हो गया, हमें हमेशा बैलेंस करना पड़ता है, तो पोटेशियम जाएगा बाहर की ओर. सो इट इज़ अगेन पॉजिटिव. रिमेंबर, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव दैट इज़ मूविंग. सो पोटेशियम गेट के खुलने के वजह से अंदर का जो पॉजिटिविटी था वो नेगेटिव हो जाएगा एंड बैलेंस हो जाता है. अब कितना भी गेट खुल जाए, सोडियम इधर नहीं जाएगा ना पोटेशियम उधर जाएगा, ये याद रखना, बिकॉज नाउ इट इज़ इन अ बैलेंस स्टेट. ओके, इट इज़ इन द बैलेंस स्टेट. लेट्स गो टू दिस page of yours, page 188, generation of nerve impulse. So when the question comes, how the generation of nerve impulse happen, इसके अंदर आप दो step डालेंगे. Starting का first is depolarization. Normal जो है वो हम इसमें बात करेंगे, that is the normal state, जिसे बोलते हैं resting potential. तो हम क्या क्या लिखेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए. हमें पहले तो बताना पड़ेगा, सॉरी, वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि नर्व अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में है, जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा -70 mV. मतलब सोडियम बाहर है और पोटेशियम अंदर है, and the potential difference will be, with voltmeter if you measure, it will be around -70
मिलीमीटर, सॉरी मिली वोल्ट. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू मेंशन हियर. जो वोल्टेज गेट है, मतलब जो चैनल है सोडियम और पोटेशियम के एग्जिट एंट्री के लिए, इसकी स्पेशल क्वालिटी यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी. अगर मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं किया तो भी चलेगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट डीपोलराइजेशन मेक श्योर यू मेंशनिंग द सोडियम इज आउटसाइड पोटेशियम इज इनसाइड. चलो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डीपोलराइजेशन. सो द फर्स्ट यू विल बी राइटिंग इन डीपोलराइजेशन इज रेस्टिंग स्टेज में कितना होगा उसका वोल्ट, मिली वोल्ट कितना होना चाहिए, दैट इज़ द रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए. इट शुड बी -70 मिली वोल्ट. एंड उस टाइम गेट्स कैसे होंगे, सोडियम कैसा होगा, दैट यू हैव टू राइट. सो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू जस्ट सी दिस. ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल बोथ गेट्स आर क्लोज्ड. बोथ गेट्स मतलब सोडियम का और पोटेशियम का दोनों गेट क्लोज्ड है, राइट. एंड रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड, राइट एवरीबॉडी. सो प्लीज मेक श्योर वी आर रीडिंग दिस. We read once again. During third paragraph, depolarization. During resting potential, both gates are closed. Both gates matlab sodium gate and potassium gate. I'm just writing it for you. Sodium ka jo gate hai and potassium ion ka jo gate hai. Hum sodium aur potassium ke hi bare mein kyun bol rahe hain? Kyunki movement sirf positive ions karte hain. Theek hai? Sodium andar aayega ya potassium bahar jayega. To movement negative kabhi nahi karta. Hamesha movement kaun karta hai? पॉजिटिव. सो शुरुआत कैसे होता है, दोनों गेट्स क्लोज रहते हैं क्योंकि अभी नॉर्मल स्टेट है, नो स्टिमुलस इज देयर. अब नेक्स्ट लाइन देखो, हाउएवर ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, इसका मतलब जैसे ही स्टिमुलस मिला, जैसे ही कोई भी स्टिमुलस, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाट यू सी, यू व्हाट यू फील, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ओके, आपको चटका लगा, इट कैन बी एनीथिंग. सो जैसे ही स्टिमुलस मिला, डीपोलराइजेशन शुरू होता है. डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो सोडियम गेट है वो ओपन हो जाता है. रीड द फोर्थ लाइन, सोडियम गेट्स ओपन, ओके, एंड नॉट द पोटेशियम गेट. कौन सा गेट ओपन होता है, सोडियम गेट ओपन्स अप, ओके, बट नॉट द पोटेशियम गेट्स. जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी सोडियम है, जितना भी सोडियम है, इट विल रश इनटू द एक्सन, जिसकी वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाता है. क्लियर? सो व्हाट इज डीपोलराइजेशन, जैसे ही स्टिमुलस, पहले आपको रेस्टिंग फेज के बारे में बताना पड़ेगा. रेस्टिंग फेज का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव. और जैसे ही स्टिमुलस आता है, सोडियम गेट खुल जाता है. हम लोग इस डायग्राम को ज़रा देखेंगे. सी दिस फर्स्ट डायग्राम हियर, यहाँ देखो, ये जो नीचे का जो डायग्राम यहाँ पे है, जैसे ही स्टिमुलस, पहले डायग्राम जो बनाया है पोलराइज स्टेट का डायग्राम बनाया, मतलब पॉजिटिव देखो बाहर है और नेगेटिव अंदर है. और जैसे ही स्टिमुलस आता है तो सोडियम आयन एंट्री कर जाता है, राइट. सोडियम आयन की एंट्री के वजह से चार्ज चेंज हो जाता है, मतलब अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन. एंड देन जो -70 था, -70 मिली वोल्ट था ना, जो उसका नॉर्मल रेस्टिंग फेस, वो चेंज हो जाता है बिटवीन 30 to 60, +30 to +60 मिली वोल्ट. अब अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ पे दोनों गेट बंद हो जाते हैं बिकॉज बैलेंसिंग हो गया, राइट. सो जब दोनों गेट बंद हो जाता है, आफ्टर देर इज़ अ रिफ्रैक्टरी पीरियड, मतलब देर इज़ अ शॉर्ट इंटरवल. रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवल, जब कोई मैसेज नहीं पास ऑन होगा, अंदर का बैलेंस करना पड़ेगा इन्हें. तो पहले कौन सा गेट खुला था, सोडियम गेट, अब खुलेगा पोटेशियम गेट. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ अ रीपोलराइजेशन,
इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, मतलब एक शॉर्ट इंटरवल पीरियड होता है जब स्टिमुलस नहीं रिसीव किया जाता, और इस टाइम क्या होता है जो पोटेशियम आयन होता है उसके गेट्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयन के गेट्स बंद हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, सोडियम के गेट खुले थे, पोटेशियम के नहीं खुले थे, लेकिन रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम के गेट खुल जाते हैं और उसके वजह से जितने भी पोटेशियम है वो बाहर निकल जाता है, बैलेंस कर लेता है, एंड देन इट इन्फ्लक्सेस, देयर इज रीपोलराइजेशन हैपनिंग, एंड देन वो नॉर्मल स्टेट में, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज में पहुंच जाता है, एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग इनसाइड द न्यूरॉन। सो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन अलोंग द नर्व हैपन्स। और कौन सी जगह में ज़्यादा स्पीड में पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होगा, दैट इज़ इन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, मतलब जिनके न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होगा, श्वान सेल्स का कवरिंग होगा, माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का कवरिंग होगा, दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर। सो यू कैन ईजली राइट वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हियर which has to be mentioned in this period. Okay, we'll mark it this way. Okay, ye part in this period sodium gates are closed, to aap repolarization mein itna likhenge to bhi bahut hai, potassium gates are open, so jiske wajah se sodium potassium pump start ho jata hai, and jab sodium potassium pump start hota hai to wave create hota hai, matlab इट मूव्स टू द नेक्स्ट, जो इम्पल्स होता है इट गोज टू द नेक्स्ट बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस। एंड व्हेन देयर इज सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस द नर्व्स और जो इम्पल्स होता है वो मूव करता है टू द नेक्स्ट नर्व, right, the impulse is moving to the next nerve, so the movement is happening, and remember if there is no medullated sheet to us jagah ka kya hota hai, saltatory conduction hota hai, saltatory conduction means action potential jumps from one nerve or we can say one node to the next nerve, ye word action potential hai usko confuse mat karo, action potential kuch bhi nahi hai, impulse ka movement ko bolte hain action potential, hum ye thoda na bolenge ki current move kar raha hai, हम वी हैव टू यूज़ अ प्रॉपर वर्ड, नर्व इम्पल्स के मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, सो एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके, ये वर्ड देख के तुमको लगेगा एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ इम्पल्स ऑन द न्यूरॉन्स, राइट, सो दैट्स हाउ अ वेरी सिंपल जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स हैपन्स।